तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जैसे राघवेंद्र। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं कार्ड छपवाने के लिए। ये वाले तो हमारे विजिटिंग कार्ड थे, तो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। अभी मैंने 60 छपवाए थे, तो खत्म हो गए। तो अभी हम और छपवा ले रहे हैं। हमने कहा चलो अंकल जी से बात कर ली थी मैंने फ़ोन पर, तो अंकल जी ने कहा ठीक है आ जाओ। 10 बजे का बोला तो 10 बजे मैं आ गया था, लेकिन मुझे कॉलेज ही जाना था। तो मैं फिर हमने कहा कॉलेज के बाद देखेंगे। तो अभी हो रहा है टाइम 3:30, मतलब 30 मिनट हो गए हैं। तो अभी हम आए हैं यहीं पर, अंदर देखो चलते हैं। और आज हमने ये आईवरी सीट भी खरीद ली है काफ़ी सारी, क्योंकि आज वर्क मिल गया है ना, छुट्टी मिल गई है दीपावली की। और ये वाली सीट भी खरीद ली है हमने, बड़ी वाली, क्योंकि इस पर अच्छा लगता है बनाना, क्योंकि कहीं भी बैठ के बना सकते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, तलघर सा है देखो। तो अभी यहीं पर आए, पिछली बार भी यहीं आए थे कार्ड छुपाने के लिए, अभी भी आए। तो कैसे देख सकते हैं ये है अंदर का व्यू। और अभी अंदर भैया को बोल दिया है, उन्हें कब मेल कर दो, तो पहले ही से था मेरा, तो अभी निकाल लेंगे और दो फिर से छपवा लेंगे सीट। तो दो में आ जाएगा 60-30 रुपये का। ओके, तो फिर अभी छपवा लेते हैं भैया। अंकल जी की दुकान है ना, अंकल जी आप ही की है ना? अच्छा इनकी है, अच्छा उधर केबिन में बैठे हैं, उनकी दुकान है। अभी अंकल जी तो मतलब वर्कर हैं। अच्छा अच्छा ओके। तो फाइनल गाइस, सीट छप चुकी है और अभी बस लेके चलते हैं। ओ टेढ़े हो गया क्या ये सीट? सही है ना? तो बस नहीं, बस थोड़ा ही सही है। ठीक चलो भाई, तो गाइस छप चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी घर। पूरे 60 हो गए फिर से, लेकिन ऊपर नीचे गैप छोड़ दिया, पहले गैप नहीं था, अब जानता कुछ गैप आ गया है इसमें। अच्छा भाई, अब जानते कुछ गैप आ गया। और भाई से दीपांश भाई से दोस्ती हो गई, आते जाते मिलते रहते हैं। तुमने कहा चलो क्या चाहिए, एक बिल ही बना देते हैं अच्छा सा। पकड़ना दीपांश भाई, बोले भूला है स्केच बुक ही भूल गए, जो अभी नई ली है, बताओ सारा पोपट हो जाता रहता, तो देखना ही नहीं, याद ही नहीं रहती, इतना काम में बिजी रहते हैं। देख रहे हो तुम, लेके आ रहा था कोई? अच्छा अच्छा चलो भाई चलते हैं। तो फिर गाइस ओके। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? अभी मैं घर आ गया हूँ गांव अमेठा, और मेरी पता है स्केच जो मैंने बनाई थी 1000 रुपये वाली, वही 1500 रुपये वाली, तो पता वो फूट गई यार, किसी ने ट्रेन में लात रख दी है, जाना कुछ बोला नहीं उससे, ये देखो फूट गई, क्या कर सकते हैं। तो गाइस अब बस घर पहुंचने ही वाले हैं, और थोड़ा ये पास में रह गया, तो अभी तो मैं घर दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया था जब तक मेरे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तब तक मैं घर नहीं दिखाऊंगा। और ये जो मैंने बनाया था ना 1500 रुपये का, वो फूट गया है बताएं। ठीक है, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, पहुँच गया हूँ, फिर बात करते हैं ओके। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं गाँव, जैसा कि आपको बताया था। तो अभी गाँव में हम आए हैं डॉक्टर साहब के घर पर, क्योंकि हमने कई ब्लॉग में बोला था कि भैया की स्केच बनने हैं, तो अभी भैया की स्केच कंप्लीट हो गई है, तो बस वही देने के लिए आए थे। और भैया का रिएक्शन कैसा रहेगा वो आप लोग अभी चेक करेंगे, और आप लोगों ने भी स्केच नहीं देखी होगी अभी, तो खोलते हैं, भैया ही खोलें अपने हाथों से और भैया ही चेक करें मतलब कैसी है कैसी नहीं है, कमेंट करके जरूर बताएँ आप लोग भी, और भैया तो बताएँगे कैसी है। तो अभी ये देख सकते हैं भैया हॉस्पिटल टाइप में खोले हैं, क्लिनिक है ये छोटा सा, तो ब्लॉग में काफ़ी बार हम बता भी चुके हैं। तो अभी भैया ओपन कर रहे हैं और देखते हैं भैया कैसी लगती है, हाँ बताओ। वो भी इंतज़ार कर रहा है, मैं सोचा जल्दी खोलो, यहीं से खोल दो, ओपन करो ऐसे, क्योंकि पहले ही फर्स्ट फेज पे मतलब दूसरा फेज था तो उस पर बनाई थी, अभी ये मैंने न्यू खरीदी है। तो ये देखो हटा दें बस, हाँ बताओ। देखिए भाई ये है, ये मुझे जो कि बहुत ही पसंद आई है। अच्छा आप लोग भी कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वेलकम भैया। और ये बिल्कुल जैसा मैं हूँ आप लोग देखिएगा, ऐसे जी देखो बिल्कुल रियलिटी है। देखो चेक करो कैसी लग रही है, देखो आप बताइएगा आप लोग भी कि कैसी लगी आप लोगों को। अच्छा मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ एक मिनट, ऐसे अभी ये वाली लाइट हमने बंद की है क्योंकि इस वाली लाइट से दिख नहीं रहा था, तो अभी आपको क्लियर थोड़ा दिखेगा। कैसी लग रही? ये मुझे बहुत ही पसंद आई, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, थैंक यू। वेलकम भैया। ओ आप लोग भी देखो इसे गौर से, आप लोग नज़दीक से देखो, ये देखो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। बहुत ही पता मेहनत की इसमें, हमने कहा भैया को मतलब ऐसी चीज़ दें तो भैया को पसंद आए, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू भैया, बताया कि आपको ये कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी, जो रियलिटी है वही है, कहीं कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, जैसा था वही चीज़ है। देखिए जो फोटो दी थी मैं अभी इस पर लगा दूंगा, वीडियो में आप लोग देख रहे हैं तो वही वाली है जो भैया ने मुझे सेंड की थी बनाने के लिए, तो बस वो लगा दूंगा मैं। थैंक यू, वेलकम भैया वेलकम। तो देखो गाइस ये है,
पता नहीं कैमरा हमारा थोड़ा गंदा हो गया, उसके अंदर फूट गया, तो उसकी वजह से वो थोड़ा गंदा हो रहा है। तो अभी हम चेंज कर देंगे उसको, ग्लास को चेंज करवा देंगे। ये देखो, ये रही और ये देखो, बहुत धूल आ रही है इसकी वजह से। पता भैया के मोबाइल से ही हम थोड़ा शूट कर लेते हैं इसका वीडियो, ठीक है भैया? अपना दे देना भैया फ़ोन, भैया के फ़ोन से ही कर लेंगे। देख सकती हैं भैया के यहाँ का ये व्यू है, क्या ही झालर लगा रखी है इन लोगों ने। और ये देखो, ये है भैया का छोटा सा क्लिनिक जो यहाँ पर भैया ने खोल रखा है। तो अभी भैया गए हैं थोड़ा सा अंदर, उसके बाद अभी आने वाले हैं। तो ऐस देखो, भैया के फ़ोन में काफ़ी क्लियरिटी आ रही है और हमारे फ़ोन में, क्योंकि हमारे फ़ोन में जो धूल चली गई ना इस वजह, तो भैया के फ़ोन से ही बना रही है। देखो अच्छी लग रही है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है, ओके? तो गाइस भैया की स्केच तो हम लोगों ने बना के दी है और भैया को काफ़ी अच्छी लगी है। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, एक बात और आपसे कहनी थी कि अभी हम गांव में हैं और उसके बाद हो सकता है कि कल हम झांसी निकल जाएं। और दूसरी बात ये है कि अभी इतना वर्क दिया है यूनिवर्सिटी में मैम ने कि बहुत ही ज़्यादा, श्वेता मैम ने और ब्रजेश सर ने भी एक फाइल बनाने को दी थी, तो वो भी अभी कम्प्लीट करनी है घर जाके, क्योंकि भाई कुछ भी वर्क नहीं हुआ अभी हमारा, तो वर्क बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि 27 तारीख को हमें वो प्रोजेक्ट जो दिया है मैम ने वो जमा करना है, क्योंकि सेमिनार होने वाले हैं तो उसके लिए तैयारी करनी है, ओके? तो भैया को दिया, तो भैया को तो काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना कैसी लगी है कैसी नहीं लगी, ओके? और हाँ गाइस, आप लोगों को एक बात और बतानी थी, भैया ने बोला था कि विजिटिंग कार्ड जो छपवा लिए वो लेके आना, तो भैया को दे दें, क्योंकि भैया को तो आना जाना कहीं ना कहीं तो लगा ही रहता है और भैया हमारी चर्चा करते रहते हैं, तो हमने कहा भाई को देना ज़रूरी है। इसीलिए तो बिल्कुल भैया, थैंक यू, जो भैया ने बोला है वो जरूर करें और चलते हैं, तो फिर और काम करना है वो करें, ओके?